वॉचिंग सीवीटीजी एंड फैमिली गम बुला के फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्राइफल कैसे बनता है। यू नो ट्राइफल, वर्ड ट्राइफल इज अ डेजर्ट, अ वेरी 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 फेवरेट डिश ऑफ एवरी वन आई थिंक। तो जिन लोगों को मीठा नहीं भी पसंद होता वो भी खाते हैं, और मैं आज आपको एक डिफरेंट स्टाइल में ट्राइफल बनाना सिखाऊंगी। कोई एक दो चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं लेकिन उनका कोई इतना इशू नहीं है, वो अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं करना तो नहीं करें, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जस्ट स्टार्ट दी ट्रैफल रेसिपी। फ्रेंड ये पाइनएप्पल है, इसका मैं जो जूस है ना उसमें बिस्किट्स डिप करूंगी, सबसे नीचे इसकी लेयर लगाऊंगी। पोलैक का है, ये पोलैक का पाइनएप्पल है, कारफोर से लेकर आई हूँ मैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं यूज़ कैसे करूँगी। सबसे पहले इसका जो जूस है इसको मैं जितने मैंने बोल्स बनाने हैं ना उतने बोल्स में डाल दूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें बच गया लेकिन वो बचा रहे वो कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ बिस्किट्स। ये देखें, ये इनोवेटिव के बिस्किट्स हैं, आप कोई भी बिस्किट्स डाल सकते हो। आपने अगर मैरी के डालने हैं मैरी डाल लो, अगर आपने जो कप केक्स होते हैं ड्राई जो केक होता है वो आपने डालना है वो डाल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है किसी भी बात का। आपने अपने फ्लेवर के मुताबिक, ये नहीं कि आप इस बंदे ने ये डाला इस बंदे ने ये डाला तो मैं भी ये डालूँ, आपको जो जो पसंद है आप वही वही डालें। मुझे ये पसंद है मैं यही डालूँगी। ये देखें, अब इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी कपकेक्स भी। ये देखें फ्रेंड्स, हर घर में कपकेक्स, जिस घर में बच्चे हैं उस घर में कपकेक्स जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये तीनों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, समझे फ्रेंड्स। दो को मैंने एडजस्ट कर दिया इसमें, ये थोड़ा बड़ा बाउल है तो इसमें जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त किस्म का इधर ट्रैफल तैयार होगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ट्रैफल बना कैसे और इतना टेस्टी कैसे बन गया, और बहुत क्विक होगा ये, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपनी मर्ज़ी है, अगर जानबूझ के लटकाना है तो लटकाते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स इधर आप देख रहे हैं दूध गर्म हो रहा है, इसमें मैं अभी जो है कस्टर्ड पानी में मिक्स करके, या दूध में थोड़ा सा दूध और पानी दोनों मिक्स करके उसमें डालूंगी, ठीक है। तो आप बहुत जल्द जो है ट्रैफल तैयार होता देख सकेंगे। फ्रेंड जी आप देख सकते हैं दूध है, बॉयल हो चुका है, इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ अपने आइडिया के मुताबिक ही, और ये मैंने चीनी डाल दी। अभी मैं इसको फिर से एक दफ़ा चेक करूँगी कि ये सही हो गया कि नहीं। ये कस्टर्ड है, इसको मैंने खोला है, ये मैंने पैकेट डाला है, अब मैं दूसरा पैकेट भी डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ा है, दूध की क्वान्टिटी ज़्यादा है। पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि आपने कितना कस्टर्ड डालना है कितने दूध में, और ये बिल्कुल सही परफेक्ट इन्होंने लिखा होता है, आपने विदाउट एनी टेंशन जो है ना डाल देना। अभी मैं इसको बीटर से मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये नीचे जब इकट्ठा ना हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको आपने बीट करके फिर डालना है क्योंकि ये कस्टर्ड है ना ये नीचे जम जाएगा नहीं तो। और अब ये इसको मैं शेक करने लगी, शेक कर लिया मैंने, अब इसको मैं दूध में डालने वाली हूँ। ये देखें साथ साथ मिक्स करूँगी। ये देखें फ्रेंड्स अब इसके ठीक हो जाना है, ज़बरदस्त सा, समझे कि कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, बाकी अब हमने लेयर्स ही लगानी है। वो अब जो है वो किस किस चीज़ की लगानी है वो आप देखेंगे, अभी उसकी लगेंगी एप्पल्स की, बनानास की, उसके अलावा लगेगी इसमें पाइनएप्पल की, और उसके अलावा लगेगी इसमें वो नीचे लेयर्स लग गई हैं पाइनएप्पल के जूस में डिप करके हमने वो केक्स डाले हैं और बिस्किट्स डाले हैं, आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं। फ्रेंड ये ठीक हो रहा है आप देख रहे हैं, इसको अभी जो है मैं ज़रा बॉयल आने दूँगी ताकि ये अच्छे से जो है ना ठीक हो जाए, पतला ना रहे और खाने में भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई बंदा बेचारा बीमार होता है तो उसको यही कस्टर्ड देते हैं पतला सा, कोई ट्रैफल ट्रूफल नहीं बनता उसके लिए, बड़ा बोरिंग सा कस्टर्ड बनता है लेकिन वो बेचारे को खाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो खैर हमारे घर में कोई भी बीमार नहीं है, और साथ में मुझे कुछ ऑफिस में भी एक बोल लेके जाना है तो उधर भी कोई बीमार नहीं है शुक्र अल्लाह का, तो मैं सही वाला मज़े वाला ट्रैफल बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने एप्पल्स जो हैं वो कट कर ली हैं, अब मैं बनानास कट कर रही हूँ, स्पीड में करूँगी फटाफट से आप, क्योंकि इनका ये खतरा होता है कि ये ना काले बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनको फौरन फौरन से आप, मैंने बस कस्टर्ड की लेयर लगा के तो मैंने इनको डाल दिया। फ्रेंड्स बनानास काट चुके हैं, एप्पल्स भी काट चुके हैं, अब मैं लेयर्स लगानी स्टार्ट करने लगी। फ्रेंड्स ये नीचे बिस्किट्स की लेयर है जो कि डिप हुए थे उसमें पाइनएप्पल के जूस में, अब इसके ऊपर मैंने डाला कस्टर्ड, अब ये मैं डालने लगी हूँ एप्पल्स। ये देखिए फ्रेंड्स,
अब इसमें बनानास डालने लगी हूँ। इसके ऊपर एक एक लेयर अभी और थोड़ी थोड़ी लगेगी उसकी कस्टर्ड की, ये क्योंकि बॉल बड़ा है तो इसलिए इसमें ज़्यादा जो है चीज़ें डाली जाएंगी। फ्रेंड्स ये सेब और केले मैंने डाल दिए हैं, अब मैं कस्टर्ड की एक एक और लेयर डालने लगी हूँ। ये देखें केलों को मेरी कोशिश है कि कवर हो जाए ताकि ये ब्लैक ना हो। ये देखें फ्रेंड्स फाइनली अभी तक ये डन नहीं हुआ कस्टर्ड, अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ। फ्रेंड्स ये जेली के लिए मैंने पानी रख दिया, रेड कलर की जेली लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखिएगा पानी को बॉयल आएगा तो ये जेली है फ्रेंड्स। ये देखिए क्रिस्पो की रेड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये। फ्रेंड्स पानी को बॉयल आ गया, अब इसमें मैं जेली डाल के मिक्स करने वाली। ये देखिए फ्रेंड्स ज़बरदस्त किस्म की जेली तैयार हुई है ये, और इसको हम जो है कस्टर्ड के ऊपर पाइन एप्पल लगाएंगे और पाइन एप्पल के ऊपर जेली लगाएंगे, या जेली के ऊपर पाइन एप्पल लगाएंगे और पाइन एप्पल के ऊपर जेली लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होएगा ही। अब इसको थीक होने देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं थीक हो रही है जेली, इसको ज़रा थीक होने देंगे। फ्रेंड्स ये जेली बन चुकी है, इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे। एक चीज़ जो मिसिंग हो गई है वो थी क्रीम, वो उसका बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, लेकिन मैं ना मार्केट से लाना भूल गई हूँ जिसकी वजह से काम ख़राब हुआ है। तो अगर सुबह मैं जल्दी उठ गई और ऑफिस टाइमिंग से थोड़ा पहले, तो देन मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्रीम भी इसके ऊपर ऐड करूँ। तो अभी इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स वो बॉल से निकल नहीं रही थी तो मैंने इसको प्लेट में जो है ना डाल दिया, लेकिन देखें फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल सीधी डाल दिया। वाओ आई एम अ टैलेंटेड लेडी। अब मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ डालना। फ्रेंड्स ये फाइनली कस्टर्ड रेडी हो चुका है, ये मैंने जेली लगा दी है, ठीक है। ये देखें अब मैं इसके ऊपर पाइन एप्पल लगा रही हूँ। फ्रेंड्स ट्राइफल फाइनली रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। आपके सामने हर चीज़ रेडी हुई है, ठीक है। अब आप भी बनाइएगा घर में, इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया और मेरी रेसिपी को पसंद किया या नहीं, मेरी वीडियो को लाइक किया कि नहीं। लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सीवीटीजी एंड फैमिली गम बुला के बाय बाय गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।